अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिरहीम। प्यारे बहन भैया अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम रहमत से आप सब ठीक ठाक होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम आपकी दुआओं से मैं भी खैर खैरियत से हूँ। याम आज ये फुल चिकन रोस्ट बनाने लगे हैं, स्वीट एंड सावर, और इसे मैंने ऐसे फॉइल में रख लिया, और अब हम इसे प्री हीटेड ओवन जो 15 मिनट्स अर्लिए फुल फ्लेम पे मैंने रखा है उस पर उसके अंदर रख लेते हैं। वैसे तो ये 45 मिनट्स में रियली नाइसली रेडी हो जाता है, लेकिन आप पर है अगर आप इसे कम या ज़्यादा करना चाहें, कम या ज़्यादा इसे गलाना चाहें, तो आप इसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक गला सकते हैं। ये मैं एक एक्स्ट्रा लेयर फॉइल की इसके ऊपर लगा रही हूँ। ताकि इसकी हीट सारी अंदर ही रहे और ये जल्दी गल जाए और हमारी ट्रे भी ख़राब ना हो। यहाँ देखिए मैंने इसे 45 मिनट्स के लिए ओवन में रखा था, और माशाल्लाह ये बन के तैयार हो चुका है। आप चाहें तो ये जो नीचे इसका पानी है इसे ड्रेन आउट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे ऐसे खुला छोड़ के थोड़ी देर तो ओवन में रखूँगी, और इसे इसका ये जो सॉस है ये इसी में ड्राई कर लूँगी। इससे ये मॉइस्ट रहेगा, और यहाँ से थोड़ा लेके चम्मच के साथ मैं ये इसके ऊपर डालूँगी ताकि ये जले ना और ड्राई भी ना हो, मॉइस्ट रहे। तो अब मैं इसे 15 मिनट्स के लिए ऐसे खुला छोड़ के तो ओवन में रखूँगी, और इन बिटवीन मैं इसे टर्न ओवर करती रहूँगी। यहाँ ये माशाल्लाह एक तरफ से बन चुका है, और अब मैं इसे टर्न ओवर कर लूँगी। ये मैंने इसे टर्न ओवर कर लिया, अब मैं इसे दोबारा थोड़ी देर 5 मिनट के लिए ओवन में रख लूँगी ताकि ये ऊपर से थोड़ा क्रिस्पी हो जाए। यहाँ देखिए माशाल्लाह हमारा स्वीट एंड सावर चिकन बन कर तैयार हो चुका है। ये अब मैंने इसे ओवन में से निकाल लिया, और मैं अब इसे डिश आउट करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ देखें माशाल्लाह हमारा स्वीट एंड सावर चिकन बन का तैयार हो चुका है। मैंने इसके साथ फ्रेश ब्रोकली और ये न्यू पोटैटोज़ जो होते हैं इसमें हर्ब्स और बटर में ये मैंने बनाए हैं साथ, और साथ में थोड़ी सी कैरेट स्लाइस ली हैं। आप चाहें तो इसके साथ चिप्स या फिर बॉइल्ड अदर बॉइल्ड वेजिटेबल्स खा सकते हैं, पीस, कैबेज, ब्रोकली, बीन्स, ऑल सॉर्ट्स ऑफ अदर थिंग्स। तो ये हमारा स्वीट और सावर चिकन बन का तैयार हो चुका है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू और टेस्टी खुशबू आ रही है, और ये हेल्थी जो ये हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस टाइम पर आप लोगों तक पहुँच जाए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह नेगेबान।